हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। पुनः आपके साथ नए ब्लॉग में। मेरा नाम है विकास भट्ट और आज हमारे गांव में भंडारा, तो वहां पे हम लोग जा रहे हैं। और आज सुबह के यहां पे 3 ट्रक पाइप के आ रखे हैं जो अभी उतर रहे हैं, और काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि लगभग 12 बज चुकी हैं। और सुबह से बहुत सारा, क्योंकि आज जाके थोड़ा धूप लगी थी तो अंदर के जो भी कपड़े कुपड़े थे वो सारे बाहर डाल रखे हैं। और क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं तो रात को कई बार आप जैसे ठंडा हो जाते हो तो रात को टॉयलेट वॉयलेट कर लेते हैं, तो सारे जो बिस्तर उस्तर थे वो सारे बाहर डाले, और जो भी कपड़े थे रोज़ के, क्योंकि मैं एक हल्की सी नमी रह ही जाती है अगर धूप ना लगे तो। लेकिन आज थोड़ी धूप रही सुबह से, तो पूरे कपड़े उपड़े पूरे बाहर डाले। और हमारे साथ रिद्धि भी आ रही है पीछे, माँ, मैं, नीलम और रुद्राक्ष सबके सब गाँव में जा रहे हैं। शिवालय में है आज भंडारा, तो वहाँ पर भंडारे में जा रहे हैं। और अभी तो एक ट्रक आधा भी नहीं हुआ है, तो अभी लगभग शाम तक ही वो पूरा सामान उतार पाएंगे, और अभी हम फिर भंडारा ग्रहण करके और फिर वापस घर आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं गांव के भंडारे में, और आपको भी दर्शन कराते हैं भोलेनाथ जी के, और कौन कौन है वहाँ पे, कौन कौन मिल पाते हैं, उन सबसे मिलाएंगे आपको। चलो जानी। हरे दी रिदू आ, अरे रिदू कख जानी, कख बाजार तो हम गांव में पहुंच चुके हैं, और जहां पे ये झंडा लगा हुआ है यहीं पे बनेगा भैरवनाथ जी का मंदिर। और अभी का मंदिर है यहाँ पे नीचे, ये जो लाल लाल दिख रहा है आपको, तो ये है भैरवनाथ जी का मंदिर। और अब ये बनने वाला है उन दो खेतों के छोड़ के ऊपर, जहाँ पे ये लाल लाल झंडा दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे बनेगा भैरवनाथ जी का मंदिर। तो अभी हम गांव में पहुँच चुके हैं, और मैंने पहले भी दिखा था कि बहुत सारे मकान बन के तैयार हो चुके हैं, जैसे ये वाला बन चुका है, ये बन चुका है, और भी आगे बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे मकान हैं। जैसे ये वाला है, इस पर पूरी चादर लग चुकी है, और यहाँ पे ये भी बन रहा था थोड़ा बहुत, ये भी इसकी थोड़ी सी छवाई की है, इस पर पत्थरों की है। देखिए बोलने में इतना भाग्य हो, बोर्ड प्रणाम। देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है। कल आए तू दीदी कब जानी? फटाफट आओ रे, सारे के सारे बच्चे भंडारा पाने हेतु मंदिर जा रहे हैं। Thank you.
सुस्मिता पूरी ने तो अभी हम भंडारा खा के आ चुके हैं और पहुंच चुके हैं गांव में। तो मैं लाया था एक आलू का छोटा सा कट्टा बचा हुआ था। यहाँ पे बिमलियोरो का मकान है और भंडारा बिमलियोरो का ही था। और मैं, नीलम और रिद्धि ये सो गई और नीलम उसे लेके आ रही है और रुद्रा चला गया आगे। माँ भी वहीं है क्योंकि वहाँ कीर्तन हो रहा है। देखो रिद्धि सो गई है, देखो। तो सोए हुए बच्चे को ले जाना बड़ा कठिन होता है, तो मैं ही ले जाने वाला हूँ। Thank you.